हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं मेरे पास जो ब्लू डेज फ्लावरिंग प्लांट्स है उसके बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और आप लोगों को तो मेरा ब्लू डेज प्लांट्स बहुत पसंद आता है और मेरा भी वो फेवरेट प्लांट है, तो उसको मैंने आज टोपियारी बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और टोपियारी के साथ उसके प्रोपागेशन, इसका केयर, सब कुछ एक ही वीडियो में आप लोगों को सब कुछ दिखने को मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, मेरे पास जितने भी था मैंने एक साथ कर लिया है। और विंटर में भी दोस्तों उसमें ज़्यादा फूल नहीं खिलते हैं और ख़राब दिखता है प्लांट्स, लेकिन अभी इसको आप केयर करोगे तो कुछ ही दिनों में आपका ये ब्लू डेज प्लांट्स बहुत सारे फूल देगा और आपका गार्डन को बहुत सुंदर दिखाएगा। इजी टू ग्रो प्लांट्स है ये। मैं इसका कटिंग्स कभी फेंकती नहीं हूँ, जब भी प्रूनिंग करती हूँ ऐसे पॉलीथीन में लगा लेती हूँ। देखिए दोस्तों, हैंगिंग बास्केट में भी बहुत अच्छा दिखता है। हैंगिंग बास्केट में जब लगाती हूँ उसको मैं प्रूनिंग नहीं करती हूँ, वो नीचे से ऐसे लटकता है और फूल खिलता है। इसके बारे में दोस्तों पहले ही एक वीडियो मैंने डाला है, लेकिन बहुत सारे फ्रेंड्स नए नए जुड़ रहे हैं और ये प्लांट्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसीलिए और एक बार वीडियो बनाना पड़ रहा है। इस प्लांट्स को बहुत मॉइस्ट सॉइल चाहिए। सॉगी सॉइल होने से ये प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ नहीं होता है और मर जाता है। इसीलिए दोस्तों, जब भी आप प्लांट्स लगाएं, जब भी आप मिट्टी तैयार करते हैं तो सॉफ्ट मिट्टी तैयार करें। सॉफ्ट मिट्टी में थोड़ा सा कोकोपीट जरूर मिलाएं ताकि लाइट वेट भी रहे, क्योंकि हम छत पे गार्डनिंग करते हैं तो हमारे छत को कोई नुकसान ना हो, इसीलिए हर एक गमले को हम लाइट वेट मिट्टी तैयार करना चाहिए। फिर दोस्तों, इसको आप टाइम टू टाइम प्रूनिंग करना चाहिए। देखिए कैसे लंबा लंबा हो गया है प्लांट, सब अच्छा नहीं दिखता है ना ऐसे लंबा लंबा, मैं चारों तरफ यहाँ वहाँ होके फूल खिलता है तो अच्छा नहीं दिखता है। अच्छा फूल पाने के लिए प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं इसको पूरा गोल करके कटिंग कर लेती हूँ। कभी भी ऐसा नहीं रखती हूँ प्लांट सब। मैं नहीं थी तो ऐसे पूरा ग्रोथ हो गया है। तो चलिए दोस्तों, मैं उसको प्रूनिंग करती हूँ, फिर आप लोगों के साथ मिलती हूँ। इस प्लांट्स को पहले प्रूनिंग करते हैं। नीचे से दोस्तों प्रूनिंग करना स्टार्ट कीजिए, तो पता चलेगा कि आपका प्लांट्स को कैसा प्रूनिंग करना है। और जितने भी सूखे पत्ते हैं, उसके सूखे टहनियां हैं, सबको अच्छी तरह से निकाल लें। और पूरा साफ सुथरा प्लांट्स तैयार कीजिए। जब भी आप गार्डनिंग करते हैं तो ग्लोव्स पहन के काम करना चाहिए दोस्तों, लेकिन मैं ग्लोव्स पहन के काम नहीं कर पाती हूँ। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड सब ग्लोव्स पहन के काम करो बोलते हैं, लेकिन मैं ग्लोव्स पहन के कभी भी काम नहीं कर पाती हूँ। मेरे तो हाथ खराब हो जाता है, लेकिन क्या करें दोस्तों, ग्लोव्स पहन के मैं नहीं काम कर सकती हूँ। देखिए दोस्तों, पूरा प्रूनिंग हो गया और पूरा टोपियारी जैसा दिख रहा है अभी। देखिए कितना सारा निकला है कटिंग्स। प्रूनिंग करने के बाद दोस्तों क्या करना है,
अच्छे से गमले को कुड़ाई कर देना है ऐसे। मेरा मिट्टी देखिए कितना सॉफ्ट है, एक बार घुसाने से हाथ में भी ये कुड़ाई हो जाता है मेरा मिट्टी। फिर उसमें क्या करेंगे, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, बोन मील और थोड़ा सा साफ उसमें मिला के इसमें दे दीजिए। और अगर आप लिक्विड फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो सरसों का खली भी इसमें दे सकते हैं, वो भी मैं देती हूँ। पहले तो कुड़ाई करके वर्मी कंपोस्ट दे दूँगी, अभी नहीं है मेरे पास, लाऊंगी। फिर उसके बाद लिक्विड फर्टिलाइजर देने से दोस्तों बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और जल्दी से फूल खिलता है, प्लांट्स जल्दी ग्रोथ ले लेता है लिक्विड फर्टिलाइजर से। क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट्स है, धूप में रहता है, इसीलिए इसको पानी ज़्यादा चाहिए। और समर सीजन में तो दोस्तों दो टाइम इसको पानी चाहिए, नहीं तो पूरा मुरझा जाता है। इसीलिए दोस्तों पानी भी इसको रेगुलर देना चाहिए। और अगर आप टेरेस पर इस प्लांट्स को रखे हैं तो समर सीजन में थोड़ा दोस्तों उसको साइड चेंज कर दीजिए, थोड़ा छाँव के जगह में रख देंगे तो इस जल्दी से ख़राब नहीं होता है। डायरेक्ट धूप पड़ने से बहुत धूप हो जाता है ना अप्रैल मई महीने में, उसको इसीलिए थोड़ा सा साइड, थोड़ा सा जहाँ पर कम धूप आता है उसमें, उस जगह पे उसको शिफ्ट कर दीजिए। और ग्रीन नेट है तो बहुत अच्छा है। तो पानी भी इसको रोज़ देना चाहिए दोस्तों। पानी हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, मिट्टी हो गया। फिर अभी बात करते हैं इसके डिजीज पर। इसमें ज़्यादातर दोस्तों एक डिजीज होता है, ये देखिए दोस्तों वाइट वाइट सा डिजीज होता है इसमें, वाइट वाइट का। ये ज़्यादातर यही डिजीज मैंने देखा है 5-6 साल से मेरे ये ब्लू डेज पर, और कोई भी डिजीज नहीं हुआ है। ये डिजीज जब आपके प्लांट्स में होगा आपका प्लांट्स ग्रोथ नहीं होगा, इसीलिए इसका ध्यान आप ज़रूर रखें। हफ्ते में दोस्तों एक बार ज़रूर भीतर से ऊपर से करके नीम ऑयल अच्छे से स्प्रे कीजिए तो ये डिजीज नहीं होगा। लेकिन बहुत केयर करने से भी ये डिजीज हो जाता है, इसीलिए बीच बीच में आप प्लांट्स को देखना चाहिए कोई डिजीज है कि नहीं। ये होने से दोस्तों प्लांट्स मर जाता है, मैंने नोटिस किया है बहुत बार। अगर मैं नहीं देख पाती हूँ तो कोई प्लांट्स ये डिजीज से मर भी जाता है। इस डिजीज के लिए भी आप हफ्ते में एक बार ज़रूर नीम ऑयल स्प्रे करें। अगर नीम ऑयल स्प्रे करने से नहीं छोड़ता है ये डिजीज तो इसमें एक स्पून साफ भी मिला सकते हैं और अच्छे से स्प्रे कीजिए तो आपका प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रोथ होगा और वो डिजीज भी नहीं होगा। ऐसे ही दोस्तों आप कटिंग्स, प्रूनिंग्स, केयरिंग करेंगे तो आपका ब्लू डेज प्लांट्स में बहुत ग्रोथ होगा और अच्छे से फूल होगा। फिर लास्ट में आते हैं इसके प्रोपागेशन के ऊपर। ये कटिंग्स सब आप देख रहे हैं, इस कटिंग्स को मैं कैसे प्रोपागेट करती हूँ, मैं कैसे लगाती हूँ, ये चलिए मैं दिखाती हूँ। कटिंग्स लगाने के लिए दोस्तों यहाँ से ही मैंने बहुत सारे कटिंग्स निकाला है, देखिए मोटा मोटा कटिंग्स लीजिए, थोड़ा मोटा होना चाहिए और मैच्योर्ड होना चाहिए। मैं एक कटिंग्स नहीं लगाती हूँ दोस्तों, ऐसे 4-5 को ऐसे पकड़ कर यहाँ ऐसे मिट्टी में दबा देती हूँ। फिर इसके पास ऐसे 3-4 कटिंग्स को लेके यहाँ दबा देती हूँ। ऐसे दोस्तों कटिंग्स लगा लेती हूँ और कुछ दिन थोड़ा एक शेडी प्लेस में रख देती हूँ 4-5 दिन के लिए, लेकिन रोज़ पानी देती हूँ। तो देखती हूँ कि बहुत कम दिनों के बाद ये मेरे सभी प्लांट्स रेडी हो जाता है। और मैं यहीं से ही कटिंग्स कर प्रूनिंग करती हूँ बार बार,
और ऐसे टोपियारी जैसे बना के रखती हूँ। ये भी देखिए खाली है, इसमें भी लगा लूँगी मैं, लगाती हूँ फिर दिखाती हूँ दोस्तों। ये हो गया दोस्तों, देखिए कटिंग्स लगाना, जितना भी मेरे जो गमले था उसके आधा आधा परसेंट खाली था तो उसमें ही मैंने कटिंग्स लगा दिया है। और ये कटिंग्स जल्दी से ग्रो हो जाएगा और फूल भी खिलेगा। उसके बाद दोस्तों उसमें पानी अच्छे से दे देंगे। कटिंग्स को दोस्तों आप सिर्फ सैंड में भी लगा सकते हैं, फिर गमले में ट्रांसफर कुछ दिनों के बाद आप गमले में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गार्डनिंग करें, खुश रहें, बाय।